नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाग्य का खेल। एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में चार बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो लोगों के घरों में चौका, बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने और समझने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? पारो ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह सब तो ईश्वर की मर्जी और नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? पारो ने उत्तर दिया कि बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। नसीब सिंह ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, मुझे यह बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा? पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी। आथा उसकी बातों से उकताकर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण पक्का इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह से थक गया, मगर भगवान की परछाई तक भी उसे दिखाई नहीं दी। आथ वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ के ही नहीं है, आखिर हमारी गरीबी कैसे दूर हो। तभी संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव और माता पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बिहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? बालक ने कहा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। माता पार्वती ने चौंक कर कहा कि ईश्वर को और पूछा मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? बालक नसीब सिंह ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से बोली, प्रभु, इस बालक की कुछ मदद कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना पड़ेगा। माँ पार्वती हट करने लगी, नहीं नहीं स्वामी, आपको इस बालक की कुछ मदद करनी ही होगी। भगवान शिव ने कहा, जिद मत करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ देवी देंगे तो भी वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने उस बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती इस बात से संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा सब जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। रास्ते में चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार एक पत्थर की शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर ले गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता और कैसे उसे पकड़ता। एकाध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में उसकी नजरों से ओझल हो गई
तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह अपनी माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने वह उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए वह लड़का आज फिर आया है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे उस चील को दंड दें या ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता को दूर करें। हम आप कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मदेव से कहते हैं, वे इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इस बालक की कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। फिर रास्ते में चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता, एक मछली उसे निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह फिर उसी जंगल में जा पहुंचा। भगवान शिव और माता पार्वती उसका ये साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह बालक तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। अतः वह श्री हरि के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि दो बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर एक कोने में छिपा दिए और अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वह भी अमीर बन गया है। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा बच्चों की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल इतना ही जानता था कि जो कुछ भी उसने माँ को बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वो उसी स्थान पर जा पहुंचा। बालक को देखकर भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है, ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम अपने आप ही शुभ होने लगे।
दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। बाहर जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा वहाँ उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील आसपास कहीं नहीं थी। नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थी वे ही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।